हाय, दिस इज संतोष मीना। ये लगातार दूसरा सप्ताह था जब मार्केट में एक रोलर कोस्टर राइड के बाद बड़ी गिरावट देखने को मिली, और इस गिरावट के पीछे का मेन रीजन है ग्लोबल वीकनेस, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में भी हाई वॉलेटिलिटी के साथ तेज गिरावट देखने को मिल रही है। और ग्लोबल मार्केट की वीकनेस का रीजन जानने की कोशिश करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है यूएस फेड के द्वारा इंटरेस्ट रेट में तेजी से बढ़ोतरी के इंडिकेशंस देना। इसके अलावा रशिया और यूक्रेन के बीच में जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रहा है और इसी वजह से ग्लोबल मार्केट्स पर प्रेशर देखने को मिल रहा है। और इन सब के बीच में FIIs की तरफ से हैवी सेलिंग देखने को मिल रही है। लास्ट वीक उन्होंने अराउंड 21,000 करोड़ की कैश मार्केट में बिकवाली की थी। हालांकि हमारे DIIs भाई ने उनकी 50% सेलिंग को कंपेंसेट करने की कोशिश की, उन्होंने अराउंड 11,000 करोड़ की बाइंग की। ये वीक हमारे लिए काफी इंटरेस्टिंग और वॉलेटाइल होने वाला है, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ा इवेंट बजट रहेगा, जिसके चलते मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस बजट में मार्केट काफी लाइट होकर जा रहा है, तो पोस्ट बजट रैली की गुंजाइश काफी ज्यादा बन जाती है। लास्ट ईयर भी सिमिलर ट्रेंड देखने को मिला था, जहां प्री बजट सेल ऑफ देखने को मिला था और पोस्ट बजट रैली देखने को मिली थी। बजट के अलावा हमारे यहाँ Q3 अर्निंग सेशन चल रहा है और नेक्स्ट वीक भी कई सारी कंपनियां अपने रिजल्ट्स अनाउंस करेगी। इसके अलावा ग्लोबल क्यूज तो इम्पोर्टेंट रहेंगे ही, जहां पर क्रूड ऑयल, डॉलर इंडेक्स, FIIs का बिहेवियर और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पर मार्केट की नजर बनी रहेगी। टेक्निकल सेटअप की बात करें तो निफ्टी अपने इम्पोर्टेंट डिमांड जोन 16,800 से 16,600 को अच्छे से रेस्पेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि 17,400 से 17,800 का एरिया क्रिटिकल सप्लाई जोन है। 17,800 के ऊपर निकलने में अगर निफ्टी कामयाब हो जाता है तो हमें एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है और निफ्टी अपने नए हाई की ओर भी बढ़ सकता है। अभी ऐसा लग रहा है कि शायद 16,800 से 16,600 का एरिया एक अच्छा बेस बन गया और मार्केट तेजी के लिए तैयार है। लेकिन इन केस अगर 16,600 ब्रेक होता है तो सिचुएशन बिगड़ सकती है। बैंक निफ्टी का चार्ट काफी स्ट्रांग है और यह आउट परफॉर्म कर रहा है। हालांकि 38,800 से 39,100 का एरिया इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन है। इसके ऊपर निकलने पर इसमें अच्छी रैली देखने को मिल सकती है, जहां 40,000-41,000 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। नीचे की ओर 36,500 से 36,000 का एरिया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। डेरिवेटिव डेटा पर नजर डाले तो FIIs का इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग एक्सपोजर घटकर 28% पर आ गया है, जो एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है। वहीं पुट कॉल रेशियो 0.92 के लेवल पर है, ये भी एक ओवरसोल्ड टेरिटरी है। नाउ कम टू रिकमेंडेशन फॉर द नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक की हमारी टॉप पिक है बाय ओरिएंट बेल, जो भी अराउंड 451 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर 417 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा एंड 520 रुपीज का टारगेट रहेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट नेक्स्ट वीक। थैंक यू, हैव अ ग्रेट वीक अहेड।